हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडा एडुकेटर्स में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप एसएससी जेई 2019 का प्रीलिम्स क्रैक्स कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छे से है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। देखिए, मैं आज आपको एसएससी जेई 2019 ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ बताऊँगा। ऐसे तो एसएससी जेई 2019 का पेपर तीन ब्रांचेस के लिए लिया जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपको रियली हेल्पफुल रहेगा कि इन 15 डेज़ में हम लोग क्या करें जिससे हमारा पेपर प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। देखिए, हम लोग ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक एसएससी ने इस बार 2019 में कितना वैकेंसीज आएगा हर एक ब्रांच के लिए वो डिक्लेयर नहीं किया है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले बिफ़ोर द 2018 एसएससी का पेपर सीवी कंडक्ट करवाता था। सीवी एक ऐसी कंडक्टिंग बॉडी थी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन। लेकिन 2018 से एसएससी ने अपना वेंडर टीसीएस को चुना है जो उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो मार्च मंथ में अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं, जैसे कि सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करें, सीपीओ एग्जामिनेशन की बात करें, वो सारे एग्जामिनेशन टीसीएस ने ही कंडक्ट करवाए। लेकिन अब जेई का एग्जामिनेशन भी टीसीएस कंडक्ट करवाएगा। इससे पहले भी एसएससी का एग्जामिनेशन जेई का टीसीएस कंडक्ट करवा चुका है, दैट इज़ एसएससी जेई 2018 जो सितंबर के मंथ में 2018 में हो चुका है। 23 सितंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था और सेकंड शिफ्ट इवनिंग में था। उसके बाद 25 के वाले दिन भी फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में पेपर हो चुका है एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का। तो टीसीएस का पेपर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करवाया था लास्ट ईयर, वो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था का था और नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है आजकल, आपको जैसे आप जानते ही हैं। तो लेकिन इस बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि टीसीएस वेंडर जब से आ चुका है तो लास्ट ईयर बच्चों ने के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये पता चल पाया है कि, और मैंने भी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टीसीएस जो पेपर डाल रहा है एज़ कम्पेयर टू सीफी के मुकाबले में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर है। ठीक है, तो इस बार भी हमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस, मैं आज आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजीज और टिप्स ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे आप एसएससी जेई प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, 15 डेज़ की स्ट्रेटजी और टिप्स में मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और साइड बाय साइड आप मॉक टेस्ट या किसी भी टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम दीजिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 15 डेज़ रह चुके हैं और मैंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये यूट्यूब चैनल में ये 15 डेज़ की स्ट्रेटजीज़ में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही आपको हेल्प करेंगे, जो फाइनली आपको एक पेपर क्रैक करने में रियली हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मैं बड़ी जल्दी एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पर, यानी कि 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। अभी तक जितने भी टीसीएस ने एक साल के अंदर पेपर कंडक्ट करवाए हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो सभी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो डाटा वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इस वीडियो में ही कि आप लोग अगर थोड़ा वेटेज की बात करो, लास्ट ईयर के एनालिसिस देखो जो टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करके कि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये 10 से 12 मार्क्स का पेपर में आ चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर टीसीएस ने जो पेपर लिया था, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो 15 से 20 मार्क्स का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूछा था। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 10 से 12 मार्क्स का था। सर्वे 5 to 8 मार्क्स का था। सॉइल मैकेनिक्स 9 to 10। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 to 6। फ्लूड मैकेनिक्स 7 to 8। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 6 to 8 मार्क्स। हाईवे इंजीनियरिंग 8 to 9। इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं हम लोग 7 to 8 मार्क्स। स्टील स्ट्रक्चर्स 1 to 3 एंड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर्स 0 से 2। गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले जब टीसीएस पेपर कंडक्ट नहीं करवाता था तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कम आते थे, लेकिन आजकल एनवायरमेंटल के क्वेश्चंस देख पा रहे हैं 6 से 8 बढ़ गए हैं, पहले 2 से 3 पूछे जाते थे। इसी के साथ रेलवे टॉपिक पहले बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन आजकल देखा गया लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं उसमें रेलवेज के भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज, मैं आपको अब यही चीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि सो दैट आप जितने भी वीडियोस वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं वो सारा अपडेट हो सके प्रॉपरली टाइम पे। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं बड़ी जल्द एक 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें सारे टीसीएस के पेपर एक साल के अंदर लास्ट ईयर में जितने भी हो चुके हैं वो सभी होंगे और विद डिटेल सॉल्यूशंस। थैंक यू गाइस।